नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में कोरोना का बड़ा विस्फोट, पहली लहर की तरह मुंगेर से हुई शुरुआत। तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार में एक बार फिर से कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। संक्रमण का यह ताजा मामला मुंगेर जिले से सामने आया है। आपको बता दें कि साल 2020 में जब बिहार के अंदर पहली लहर की शुरुआत हुई थी तो मुंगेर में ही सबसे पहले संक्रमित पाए गए थे। मुंगेर में बड़ी तादाद में कोरोना वायरस मिलने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। अब एक बार फिर से मुंगेर में एक साथ 11 संक्रमितों की पहचान की गई है। यह खबर सामने आने के बाद मुंगेर के अंदर स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। खबर है कि मरीजों में बीएमपी के जवान, महिला और बच्चे शामिल हैं। यह जानकारी सिविल सर्जन ने दी है। सर्जन ने लोगों से गाइडलाइन पालन करने की अपील की है। मुंगेर में पिछले दो दिनों में कोरोना जांच में जो मामले सामने आए हैं उनमें एक दो संक्रमित मिल रहे थे, पर आज अचानक ग्राफ बढ़ने से डर बढ़ गया है। तीसरी लहर की आहट के बीच यह आंकड़ा डराने वाला है। बिहार में 5000 हेल्थ वर्कर को ही नहीं लगा कोरोना टीका, आज आ रही है केंद्रीय टीम। कोरोना से निपटने के लिए देश भर में तेजी से टीका लगाने का अभियान चल रहा है। बिहार के आम नागरिक कोरोना वायरस से जंग में टीका लगवाकर काफी आगे हैं, लेकिन राज्य में 4000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने ही अभी तक टीका नहीं लगवाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य के करीब 5000 स्वास्थ्य कर्मियों ने अब तक वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य में 529,851 लोग हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 525,363 हेल्थ केयर वर्करों ने ही पहली खुराक ली है। इनमें से 505,215 हेल्थ केयर वर्करों ने दोनों डोज ले ली है, जबकि 4,488 ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी खुराक नहीं ली है। हालांकि देश भर में बिहार का स्थान 10वां है। सरकार के अनुसार देश भर में कुल 1,05,04,137 हेल्थ केयर वर्करों का रजिस्ट्रेशन है, जिनमें से 1,03,85,958 हेल्थ केयर वर्करों ने कोरोना टीके की पहली डोज ले ली है। इनमें से 96,29,532 हेल्थ केयर वर्करों ने दोनों डोज ले ली है। हेल्थ केयर वर्करों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया गया था। मुजफ्फरपुर फैक्ट्री हादसे में 4,40,00,000 मुआवजा देगी सरकार, सीएम नीतीश और मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जताया दुख। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के बेला औद्योगिक क्षेत्र में निजी कंपनी की बॉयलर फटने से हुए हादसे में मरने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे को अत्यंत दुखद बताया और इस हादसे में मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है, और साथ ही दुख की इस घड़ी में मृतक के शोक संतप्त परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना भी की है। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए सभी मृतकों के परिजनों को 4,40,00,000 रुपए अनुग्रह अनुदान के साथ साथ अन्य अनुमान लाभ देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने हादसे में घायलों को समुचित इलाज कराने का निर्देश भी दिया है, साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना भी की है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को दे दिया जवाब। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भाजपा और जेडीयू के नेता आमने सामने आ जा रहे हैं। एक ओर जहां भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि बिहार को पर्याप्त पैसा मिल रहा है, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, वहीं जेडीयू के नेता लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आज फिर इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि यह किसी एक पार्टी की मांग नहीं है, यह पूरे बिहार की मांग है। भाजपा के लोग भी इस सरकार का हिस्सा है। वो लोग कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, तो वो ही बताएं कि केंद्र से मिल रहा पैसा कहां जा रहा है। कुशवाहा ने कहा कि बिहार को अभी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों की श्रेणी में लाना है, इसीलिए इसे विशेष पैकेज की जरूरत होगी। नीतीश कुमार अपने स्तर से विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना काम नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। शराबबंदी से जुड़ी लंबित मामलों की सुनवाई के लिए बनाए गए स्पेशल कोर्ट
74 जज भी नियुक्त। शराबबंदी मामलों की त्वरित निष्पादन और इस मामले में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए सरकार ने न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की सुनवाई के लिए शनिवार को विशेष कोर्ट का गठन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी 74 कोर्ट में जजों की तैनाती भी कर दी है। पटना में अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार को शराबबंदी के लिए विशेष कोर्ट का जज बनाया गया है। बता दें कि विभिन्न न्यायालयों में शराब से जुड़े लंबित मामलों की संख्या 1,80,000 के आसपास पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा मामले जिला और अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों में लंबित है। विशेष कोर्ट में अब इन मामलों की सुनवाई होगी। हाल ही में शराबबंदी को लेकर सख्त हुई सरकार ने हाईकोर्ट की सहमति मिलने के तत्काल बाद विशेष अदालत के लिए जिलों में कार्यरत अपर जिला सत्र न्यायाधीशों को विशेष जज के तौर पर अधिसूचित किया है। गौरतलब है कि तेजी से मामलों के बढ़ने के कारण यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया खेती के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का डेमो प्रदर्शन। बोले, कृषि के लिए ड्रोन का इस्तेमाल एक अच्छा मिसाल। बेगूसराय में शनिवार को वन द्वार कोठी में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का खेती में इस्तेमाल कर एक डेमो प्रदर्शित किया है। इसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज तकनीक का जमाना है। देश के प्रधानमंत्री ने एक तरफ प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है, वहीं दूसरी तरफ इनोवेशन पर भी जोर दिया है। कृषि में हम ड्रोन का इस्तेमाल फलदार पेड़ों में छिड़काव, नैनो फर्टिलाइजर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कर सकते हैं। आज हमने मल्टीप्लेक्स कंपनी जो बेंगलुरु का है, उस मल्टीप्लेक्स कृषि में जो ड्रोन का उपयोग कर रहा था, उन्हें बेगूसराय में पहली बार बिहार की धरती पर उपयोग किया जा रहा है। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि 60 से 70 दशक के इर्द गिर्द हरित क्रांति आया, बिहार में बेगूसराय कृषि के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा, ये एक अच्छा मिसाल है। उन्होंने बताया कि हम जीविका दीदी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहने हैं, उनके माध्यम से ड्रोन का प्रयोग कर उनके खेतों में और गाँव के खेतों में सेवा देने का काम किया जाएगा। इसके लिए रविवार को जीविका दीदियों को छोटे ड्रोन पर ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आने वाले दिनों में ये रोजगार का अवसर देगा। बिहार में 46,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री ने दी हरी झंडी। 46,000 से अधिक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना शिक्षा विभाग ने तैयार कर ली है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को इसको लेकर हरी झंडी दी है। अधियाचना का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए बिहार लोक सेवा आयोग जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के दोनों निदेशालयों, प्राथमिक और माध्यमिक निदेशालयों की तरफ से अलग अलग अधियाचना तैयार की गई है। दरअसल प्राथमिक निदेशालयों ने 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक और माध्यमिक निदेशालय ने 6,000 से अधिक प्रधानाध्यापक को प्रस्ताव तैयार किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक बिहार लोक सेवा आयोग इन दोनों नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। दरभंगा में सजी फूलों की अनोखी दुनिया। पुष्प प्रदर्शनी में दुर्लभ कैक्टस बना आकर्षण का केंद्र। दरभंगा शहर के लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में दुर्लभ फूलों की अनोखी दुनिया सजी है। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का शनिवार को उद्घाटन हुआ है। इस प्रदर्शनी में 250 प्रकार के फूलों, पौधों और कैक्टस को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों की पर्यावरण पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस पुष्प प्रदर्शनी में आकर्षक पौधों को किंग्स ऑफ द शो, क्वीन ऑफ द शो, प्रिंसेस ऑफ द शो और प्रिंस ऑफ द शो का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदर्शनी को देखने के लिए दरभंगा समेत आसपास के कई जिलों के लोग पहुंच रहे हैं। बिना मास्क के महावीर मंदिर में एंट्री पर ब्रेक। श्रद्धालु से अपील, दर्शन पूजन के लिए ही आएं, बेवजह नहीं रुके। महावीर मंदिर पटना में अब बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना के नए मामलों को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। आचार्य किशोर कुणाल ने मंदिर आने वाले भक्तों से अपील किया है कि वे सामाजिक दूरी बनाकर मंदिर में दर्शन पूजन किया करें। इसके साथ ही सुबह 10 से 12 बजे तक मंदिर में भक्तों की संख्या ज्यादा रहती है, इसीलिए इस अवधि में भक्तों को मंदिर आने से परहेज करना चाहिए। मंदिर में एक बार ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए भक्तों को अलग अलग समय पर अपनी सुविधा से आना चाहिए। इससे मंदिर में सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहूलियत होगी।
बिहार में बारिश और बर्फबारी से बढ़ेगी ठिठुरन, जानिए अगले दो दिनों का वेदर रिपोर्ट। बिहार में 28 और 29 दिसंबर को बारिश होने की संभावना है। बिहार मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में अगले दो दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 27 से 29 दिसंबर के बीच तराई व मैदानी भागों के जिलों में आसमान में गरज वाले हल्के से मध्यम बादल बन सकते हैं। इस कारण 28 व 29 दिसंबर के आसपास कहीं कहीं हल्की बारिश व बूंदाबूंदी हो सकती है। बिहार के कुछ हिस्सों में 27 दिसंबर को आसमान में बादल छाने लगेंगे। वहीं इस दिन घना कोहरा के साथ पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरेगा। 28 और 29 दिसंबर को बिहार के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी, जिसके कारण ठिठुरन बढ़ जाएगी। 30 और 31 दिसंबर को बारिश नहीं होगी, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन में पछुआ हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके कारण नए साल में लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ेगा। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।